दिल्ली में चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा की, महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में महिलाओं को फ्री में मेट्रो और डीटीसी बसों के सफर का लाभ मिलेगा। तो वही 1.5 लाख सीसीटीवी कैमरे से पूरी दिल्ली को लैस किया जाएगा ताकि दिल्ली में किसी भी महिला के साथ कोई अनहोनी ना हो। आपको बता दें कि बसों और मेट्रो में कुल यात्रियों में 33% महिलाएं होती हैं। इसके मुताबिक मेट्रो में महिलाओं की मुफ्त यात्रा पर करीब 1000 करोड़ प्रतिवर्ष का खर्च आएगा, जबकि करीब 200 करोड़ रुपए का खर्च बसों को लेकर सरकार पर आएगा। अनुमान है कि महिलाओं के लिए दिल्ली मेट्रो और डीटीसी की बसों में इस योजना को लागू करने में सरकार पर प्रतिवर्ष करीब 1200 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। तो केजरीवाल का ये बहुत बड़ा दाव है। करीब 33% महिलाएं यहां पर यात्रा करती हैं। लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद अब एक्शन में आम आदमी पार्टी, और ये बड़ा फैसला अरविंद केजरीवाल ने लिया। तो दिल्ली सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है, जिसमें मेट्रो में सफर की बात करें या डीटीसी सफर की बात करें, दोनों में ही महिलाओं को यात्रा अब फ्री रहेगी, यानी उन्हें कोई भी टिकट लेने की जरूरत नहीं है, पैसे पे करने की जरूरत नहीं होगी। क्या कुछ कहा इस बड़े फैसले को लेकर अरविंद केजरीवाल ने, वो आपको सुनाते हैं। सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली के अंदर सभी डीटीसी की बसें और क्लस्टर बसें, सभी बसों के अंदर और सभी और मेट्रो के अंदर महिलाओं का सफर फ्री किया जाएगा, ताकि महिलाएं उसको ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर सकें, जो कि अब ज्यादा किराए की वजह से महिलाएं इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं। जो सब्सिडी दी जा रही है, हम इसमें प्रावधान इस तरह से रखेंगे कि किसी के भी ऊपर सब्सिडी थोपी नहीं जाएगी। कई सारी महिलाएं अफोर्ड कर सकती हैं, जो अफोर्ड कर सकती हैं वो अपना टिकट खरीद के, सब्सिडी उनको लेने की जरूरत नहीं है। बस में भी टिकट खरीद सकती हैं, मेट्रो पे भी टिकट खरीद सकती हैं, और हम ज्यादा से ज्यादा उनको इनकरेज करेंगे जो अफोर्ड कर सकते हैं वो सब्सिडी का इस्तेमाल ना करें, ताकि और दूसरे लोगों को इसका फायदा मिल सके। ऑफिसर्स को मैंने 1 हफ्ते का टाइम दिया है, 1 हफ्ते के अंदर वो डिटेल्ड प्रपोजल बना के लाएंगे, दोनों डीटीसी भी और मेट्रो भी, कि इसको कैसे लागू किया जा सकेगा और कब से लागू किया जा सकेगा। हम कोशिश करेंगे कि 2 से 3 महीने के अंदर इसको लागू किया जा सके। दिल्ली में महिलाएं अपने आप को काफी असुरक्षित महसूस करती हैं। महिलाओं की सुरक्षा आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए सर्वोपरि है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए आज 2 बहुत बड़े निर्णय लिए गए हैं। एक तो सीसीटीवी कैमरे, जो आप सब लोग जानते हैं कि सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए पिछले 2-2.5 साल से हम लोग कोशिश कर रहे थे। पूरी दिल्ली के अंदर लगभग 1.5 लाख सीसीटीवी कैमरे लगने का प्रपोजल टेंडर सब पास हो चुका है।